Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ और MCI ने कुछ नए रूल्स निकाले हैं और उससे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है गाइस, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो इसका इसकी हेडिंग है न्यू रूल्स, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इन गुजरात कुड हिट 4600। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है, अहमदाबाद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI रिसेंटली रिवाइज इट्स रेगुलेशन फॉर मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया आफ्टर विच नो कॉलेज वुड हैव टू लूज सीट्स आफ्टर पीरियोडिक इंस्पेक्शंस। लाइकवाइज इवन इफ स्टाफ एंड पेशेंट नंबर्स आर फाउंड टू बी 30% एंड 60% लोअर देन स्टिपुलेटेड द मेडिकल कॉलेज वुड बी अलाउड टू फंक्शन अंडर सम कंडीशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ होता क्या था, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होती रहती है सारे कॉलेज की, MCI की तरफ से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सारे कॉलेजेस की इंस्पेक्शन करता रहता है टाइम टू टाइम कभी भी जाके। तो उसमें वो कुछ कंडीशन देखता है, जैसे कि अगर पेशेंट्स 30% और जो फैकल्टीज़ हैं जो टीचर्स हैं स्टाफ है वो 30% है और अगर पेशेंट 60% है तो उसमें भी कॉलेज को वर्क करने दिया जाएगा, फंक्शन करने दिया जाएगा कुछ कंडीशंस के अंडर, जो कि पहले नहीं होता था। ऐसा कोई रूल नहीं था, अगर सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी तभी कॉलेज को काम करने दिया जाता था, कॉलेज को फंक्शन करने दिया जाता था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी के हिसाब से कुछ दिन पहले भी एक अपडेट आई थी उसमें यह था कि जितना कॉलेज का स्टाफ है यानी कि अगर कोई कॉलेज बन रहा है उसमें अगर 30% काम पूरा हो गया तो 30% सीट्स चालू कर दी जाएँ, ऐसा कुछ MCI ने करा था। तो वो भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले। और ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें लॉस नहीं होने देने दी जाएगी कॉलेजेस को। जैसे इसमें लिखा है पुनिटिव एक्शन, काफ़ी दंडात्मक ऐसे इस पर होते थे किससे, जैसे कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सीट्स टू जीरो हैव बीन टेकन अर्लियर इन गुजरात, MK शाह मेडिकल कॉलेज इन अहमदाबाद लॉस्ट 150 सीट्स आफ्टर एन इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के बाद काफ़ी जैसे कोई भी चीज़ें अगर फुलफ़िल नहीं होती थी, रूल फुलफ़िल नहीं होते थे, तो इसी तरह MK शाह मेडिकल कॉलेज ने 150 सीट्स अपनी खो दी थी। तो अब ये नए रूल आ गए हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं, उससे सीट्स कितनी इंक्रीज होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। इन एडिशन कॉलेजेस इन नादियाद अमरेली एंड विसानगर आर एक्सपेक्टेड टू गेट 450 सीट्स विच विल टेक द नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इन गुजरात फ्रॉम 4000 टू 4600 ऑफिशियल सेट। तो ऑफिशियल्स ने ये बात बोली है, 4000 से 4600 तक सीट बढ़ जाएगी, 450 सीट्स तो इन तीन कॉलेज में बढ़ रही है, बाकी इंस्पेक्शन की वजह से 150 सीट्स और बढ़ जाएंगी। और इसके साथ इस आर्टिकल में बाकी कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर सीट बढ़ती है और कुछ इसमें MCI अप्रूवल मिलनी बाकी है, इन सारे जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे जगहों के इन सभी को MCI की अप्रूवल मिलनी बाकी है, कुछ इसमें से गवर्नमेंट है, कुछ ऐसी ट्रस्ट से चलाए जाते हैं GMERS और कुछ प्राइवेट है। तो इस आर्टिकल की लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में मैंने यही गुड न्यूज़ आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी। ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।